स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप इज सेम काइंड ऑफ एनीथिंग ग्रेन्स व्हेन यू शो एनी प्लेस इन मैक्सिमम लार्ज स्केल इट्स कॉल्ड क्रॉप्स। सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। मतलब कि आप कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पर बोते हैं, मतलब उगाते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। उसमें दो प्रकार है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप मतलब क्या? खरीफ क्रॉप मतलब क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन। मतलब कि आप मानसून की सीजन में जो कोई चीज़ बोते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। लाइक अ ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, पेड़ी यानी कि आप जो राइस खाते हैं उसको बोलते हैं पेड़ी, मेज मेज यानी कॉर्न मकई, ठीक है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स लाइक अ व्हीट ग्रैम्स एंड द शुगर कैन। जो चीज़ आप ठंडी की मौसम में बोते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। यानी कि विंटर में व्हीट यानी गेहूँ, गेहूँ हम गुजराती में बोलते हैं उसको गेहूँ, ग्रेम्स यानी ऑल टाइप्स ऑफ कठोर जिसको हम बोलते हैं गुजराती में, शुगर कैन यानी गन्ना शेरडी हम बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो उसके बाद पहला टॉपिक इस चैप्टर का है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का प्रोडक्शन करने की जो बेसिक प्रैक्टिस है, मतलब जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। मतलब कि आपको किसी भी जगह पे, किसी भी फार्म में अगर आपको कोई चीज़ उगानी है, तो उसके पहले आपको करनी पड़ती है उसकी प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? सोइल की, मिट्टी की, ज़मीन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसे ही आप नहीं बो सकते कभी भी, ऐसे ही मतलब खाली पड़ी हो तो बो दिया, ऐसे नहीं हो सकता। उसके पहले आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में क्या है, उसको तैयार करना पड़ता है ज़मीन को। ज़मीन को तैयार करने के लिए स्टेप्स होते हैं। देखिए ये स्टेप्स है, उसमें सबसे पहला नाम हमने दिया है प्रिपरेशन ऑफ सोइल के। उस प्रिपरेशन ऑफ सोइल वो मेन टॉपिक है, उसके अंदर कितने जो स्टेप्स है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में बात करूंगा। फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग। मतलब कि ये बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल ग्रोइंग से पहले का सबसे पहला स्टेप है। मतलब आप बोए दाना, उससे पहले का सबसे पहला स्टेप है। सबसे दूसरा स्टेप है प्लाव। प्लाव यानी कि जमीन को खेड़ना। हम जमीन को खेड़ते हैं, खेड़ते हैं मतलब उस पर हल चलाते हैं, उस पर हल चला के हम उसको लूज करते हैं। लूज एंड टर्निंग अप डाउन्स मतलब कि आप जमीन को सॉफ्ट बनाते हैं। गुजराती में कहे तो हम उसको हम पर कहिए कि पोची बना लिया है जमीन ने, इट्स कॉल्ड लूज। उसके बाद है टर्निंग अप्स एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे करते हैं हम जमीन को। जो जमीन के ऊपर का जो लेयर है वो नीचे चला जाता है और नीचे का जो लेयर है वो ऊपर आ जाता है। आपड़े जमीन ने ऊपर नीचे करिए छे, इट्स कॉल्ड लूज एंड टर्निंग्स अप्स एंड डाउन। उसके बाद है रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू सोइल। इसका मतलब है कि जो हमने जमीन ऊपर नीचे की है उसको लूज किया है, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा रूट्स को। रूट्स को मतलब जो हम जो बोने वाले हैं वो क्रॉप्स है, उसके जो मूल है रूट्स है, उसको फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा? वो आसानी से जमीन में घुस सकेंगे और आसानी से उसके अपने आप को फैला सकेंगे। उसको बोलते हैं पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब खुद को फैलाना, खुद की साइज को बढ़ाना। रूट्स आसानी से जमीन में अगर सॉफ्ट होगी तो आसानी से खुद को फैला सकेंगे, ताकि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके आराम से। इट्स कॉल्ड रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। उसके बाद है रूट्स ब्रीथ इजीली। इजीली ब्रीथ कैसे कर सकेंगे? ब्रीथ यानी सांस लेना। क्या रूट्स कभी सांस लेते हैं? हाँ लेते हैं। रूट्स सांस कैसे लेते हैं? सांस लेना मतलब क्या? ऑक्सीजन लेने की बात है, हाँ हो सकता है।
खाली ऑक्सीजन की बात नहीं है, लेकिन पूरे जो प्लांट्स है उसको जो कुछ भी चाहिए, पानी, ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो आसानी के मिल सके, इजीली प्रोवाइड कर सके, मतलब रूट्स की आजू बाजू में से, इट्स कॉल्ड द ब्रीथ इजीली। और जब भी पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो रूट्स उसको हैंडल कर सके, इट्स कॉल्ड रूट्स ब्रीथ इजीली। जब हम जमीन को सॉफ्ट और लूज अप्स एंड डाउन करते हैं तो एक तो सबसे पहले वो अपने आप को आराम से रूट्स फैला सकते हैं अपने आप को इजीली, दूसरा है आराम से वो सांस ले सकते हैं ताकि सड़े नहीं। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, जो भी आजकल हुई, तो ज़्यादातर पाक, ज़्यादातर क्रॉप्स फेल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स इजीली ब्रीथ नहीं कर सकते। पानी ज़्यादा हो गया, पानी भरा रह जाता है जमीन पर, तो वो पेड़ के लिए और क्रॉप्स के लिए, हमारे पाक के लिए, फसल के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद टॉपिक है हेल्प टू ग्रोथ ऑफ अर्थफॉर्म्स एंड माइक्रोबीज। अर्थफॉर्म यानी क्या? अर्थफॉर्म यानी हम जिसको गुजराती में कहते हैं अड़सिया, ठीक है, जो हम अभी मॉनसून की सीजन में देखते हैं कि घर में चढ़ जाता है पानी भरने के हिसाब से। और माइक्रोबीज, माइक्रोबीज यानी जिसको हम देख नहीं सकते, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब इतने छोटे छोटे जंतु जो हम नरी आंख से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड माइक्रोबीज, जो जमीन में मौजूद होते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। उसका भी एक ना छोटा ऐसा काम, एक रोल होता है। हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोबीज। तो जमीन अगर सॉफ्ट है, अप्स एंड डाउन की हुई है, प्लाव किया हुआ, तो उसमें अर्थवर्म्स पैदा हो सकते हैं और आसानी से रह सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी, अगर हमारी जमीन कड़क है, उसमें हमने प्लाव नहीं किया है, अप्स एंड डाउन्स नहीं किया है, सीधा हमने उसको क्रॉप्स को सीधा मतलब शोविंग बो देने का तय किया है, तो उसमें अर्थवर्म्स होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए वो जमीन टाइट पड़ती है, वो उसमें रह नहीं सकता, उसमें छेद नहीं कर सकता। आपको पता है कि अर्थवर्म्स को कोई भी प्रकार का हड्डी नहीं होता है, तो कैसे करेंगे सॉफ्ट मतलब हार्ड जमीन में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद ये अर्थवर्म और माइक्रोबीज होने से क्या होता है, एड ह्यूम्स होता है। ह्यूम्स मतलब फर्टिलिटी, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है अर्थवर्म और माइक्रोबीज पैदा होने से अंदर, तो वो भी मान लीजिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल का ही एक हिस्सा है, इसलिए मैंने लिखा एड ह्यूम्स। उसके बाद टॉपिक है बिग पीस ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स, मतलब अब ये फायदे खत्म हुए यहाँ से, और ये मतलब आपने प्लाव किया तो प्लाव से क्या होता है, बड़े बड़े मिट्टी के क्रम्स, यानी हम गुजराती में उसको बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो, माटीना ढेफा, वो क्रम्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पीसीस बन जाते हैं मिट्टी के, उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के लिए हमको चाहिए प्लैंक। उसके बाद के पॉइंट में है क्लम्स ब्रोकन डाउन बाय प्लैंक। प्लैंक यानी एक टूल्स है, एक टूल्स यानी एक औजार खेती का, जिससे वो बड़े बड़े पीसीस ऑफ सॉइल जिसको हम क्रम्स बोलते हैं वो टूट जाते हैं और जमीन को हम वापस लेवल कर सकते हैं। इसके बाद का इसीलिए टॉपिक है सोइल लेवल फॉर द शोविंग, मतलब माँ जमीन हमारी शोविंग के लिए, बोने के लिए, कोई भी चीज उगाने के लिए तैयार है, इसके लिए लेवल हो चुका। अब सोइल लेवल फॉर द शोविंग एंड इरिगेशन। इरिगेशन यानी किसी भी खेत में उगाए हुए पाक को पानी देना, इट्स कॉल्ड इरिगेशन। अगर जमीन लेवल नहीं है तो हम एक छोर से दूसरे छोर तक खेत में पानी नहीं पहुंचा सकते, तो लेवल का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है खेती में, इसीलिए सोइल लेवल फॉर द शोइंग एंड इरिगेशन। उसके बाद का टॉपिक है मैनर ऑल्सो बी एडेड। कभी कभार फार्मर्स उसमें मैनर ऐड करते हैं, यानी कि अंदर यूरिया डालते हैं, या फिर मशीनरीज में बना हुआ, फैक्ट्रियों में बना हुआ खातर डालते हैं, उसको बोलते हैं जैसे कि यूरिया। और अगर कोई खेत
मैं किसी चीज की ऐसे मैनर की जरूरत ना हो तो कोई फार्मर ऐसे सीधा डायरेक्ट भी उसको उगा सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैनर ऑल्सो भी एडेड कंपलसरी इसलिए है कि 2 या 3 साल में कोई भी फार्मर एक बार तो डालता ही डालता है, वॉटर्ड बिफोर सोइंग। कोई भी फार्मर सोइंग करने से पहले जमीन को गीला करता है, उसको गीला करने के बाद ही उसमें दाना डालता है बोने के लिए। अगर मॉनसून हो तो हम देखते हैं कि अच्छी बारिश 2 या 3 घंटे या 4 घंटे या पूरा एक दिन हो जाने के बाद दूसरे दिन कोई फार्मर सोइंग करता है, तो वॉटर हो गया, वॉटर बिफोर सोइंग, दैट्स अ मीनिंग। पानी एक बार जमीन में ठीक तरह से लग जाए उसके बाद ही दाना बो सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर दूसरा टॉपिक वापस हम लेंगे सोइंग, तो सोइंग कल मैं समझाऊंगा यहाँ से वापस। थैंक यू।